अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवीन उल हक, जिनको खबरों में रहना कुछ ज्यादा पसंद है। नवीन अपने खेल के प्रदर्शन से ज्यादा दूसरे खिलाड़ियों से पंगे या अपने द्वारा किए गए कंट्रोवर्सी के जरिए वायरल रहते हैं। विराट कोहली वाले मामले से तो सब परिचित हैं। आईपीएल में नवीन ने कोहली से पंगा कर लिया था, जिसके बाद कोहली के फैंस ने नवीन को जमकर ट्रोल कर दिया था। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान दोनों के बीच मामला शांत हो गया। लेकिन नवीन को शांत रहना कहां रास आता है, उन्हें तो बस खबरों में किसी बहाने बने रहना है। इसलिए अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी ने फिर से एक बार पंगे लेने वाला काम कर दिया, और इस बार पंगा भी लिया तो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने मौजूदा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आलोचना की है। 7 नवम्बर यानी मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से खेलते देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया टीम को फरवरी में भारत दौरे पर 4 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी थी। इसके तुरंत बाद कंगारू टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज खेलनी थी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में मार्च के महीने में होने वाली ये सीरीज आईसीसी सुपर लीग का हिस्सा थी। तभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की उनकी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेगी। बोर्ड की तरफ से कहा गया, ये फैसला तालिबान द्वारा महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा रोजगार के अवसरों पर प्रतिबंध की हालिया घोषणा के बाद लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट के इस फैसले के बाद अफगानिस्तान के बहुत से खिलाड़ियों ने इस बात की आलोचना की थी। राशिद खान ने बिग बैश लीग में न खेलने तक की बात बोल दी थी। नवीन उल हक ने भी सिडनी सिक्सर्स के साथ खेलने से मना कर दिया था। टीम के ओपनर बल्लेबाज गुरबाज ने भी इस बात को लेकर ट्वीट किया था। नवीन उल हक ने इस पोस्ट के जरिए इशारा किया कि तब से अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिति नहीं बदली है, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या फैसला लेगी। 7 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है। इस मैच को लेकर दोनों टीमें काफी उत्साहित है, क्योंकि सेमीफाइनल की राह में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए ये जीत जरूरी है।